लोग 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक भी यहाँ पे लोग देने को तैयार है। देखिए कितने एक्साइटेड है यहाँ के लोग हाय हेलो के लिए। रास्ता है जो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। देखिए मेरे ठीक सामने भाई साहब एक बियर लेके बैठे हुए हैं, सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे सी फेसिंग हट्स है गाइस। इतना टेस्टी फूड, इतना यमी फूड और इतना खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन फूड का मैंने अभी तक गोवा में किसी एरिया किसी होटल में नहीं देखा है। पालोलीम बीच पे, तो आज पालोलीम बीच की थोड़ी बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो रीजनेबल पे, थोड़े से और हायर रेंज पे और उससे हायर रेंज पे। काफ़ी डिफरेंट टाइप की यहाँ प्रॉपर्टीज और सारी डिफरेंट डिफरेंट रेंज की यहाँ प्रॉपर्टी है। तो मैं आज जिस प्रॉपर्टी में उतरा हूँ वहाँ का नज़ारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ जो है वो एसी रूम्स हैं और इस तरफ जो है वो नॉन एसी रूम है। तो एसी रूम में स्टे का जो यहाँ पे रेंट है दैट इज़ 1500 रुपीज़ पर नाइट, और नॉन एसी रूम के जो रेट्स है यहाँ पे दैट इज़ 1200 रुपीज़ पर नाइट। और यहाँ पे सी फेसिंग रूम है जो कि आप ऊपर देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऊपर भी लेके जाऊँ और उस रूम से थोड़ा सा रूबरू कराऊँ, जिसका रेंट यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया 3000 रुपीज़। और यहाँ पे बीच साइड पे एक बहुत अच्छी सी छोटा सा एक कैफ़े रेस्टोरेंट बोल सकते हो, बार बोल सकते हो। यहाँ पे फूड और मॉकटेल्स ड्रिंक्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बहुत टेस्टी मिलते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है। तो अब कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से मैं ऊपर लेके जाने की, और छोटा सा एक व्यू दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। देखिए यहाँ से यह है यहाँ का एक खूबसूरत सा व्यू, और होटल का नाम अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने देख सकते हो द फाउंड थिंग्स बीच रिसोर्ट, और बाहर का नज़ारा जो है कुछ इस तरीके का है। बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी वाइब है यहाँ पे। तो आप जब कभी भी आओ, आपको सोलो ट्रिप करनी हो और बहुत ही रीजनेबल में स्टे करना हो, तो द फाउंड थिंग्स में आप स्टे कीजिए। 1200, 1500 और 3000 तीन कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रूम्स भी एक बार आपको ओपन करके आपको रूम से भी रूबरू करा देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो ये रहा हमारा आज का सी फेसिंग रूम द फाउंड थिंग्स में यहाँ पे। तो देखिए छोटा सा रूम है, डबल बेडरूम है, एसी लगा हुआ है, और बाथरूम बहुत ही क्लीन और नीट है। तो इसका जो चार्ज है यहाँ पे 3000 से 3500 रुपीज़ डिपेंड ऑन द सीज़न। जो अब जो दूसरा बेसिक रूम है वो यहाँ पे है नॉन एसी रूम, तो आपको ले चलता हूँ नॉन एसी रूम में। देख लीजिए ये मेरे ठीक सामने, एसी और नॉन एसी रूम में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एसी का डिफरेंस है। तो एसी रूम आपको शूट करके दिखाऊंगा नहीं, पर ये रूम जो है जो सी फेसिंग रूम है उससे काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। और ये यहाँ की बाथरूम है, लाइट इस वक्त यहाँ पे गई हुई है तो आप थोड़ा क्लियरली यहाँ पे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रूम भी सोलो ट्रैवलर्स के लिए या फिर आप अकेले आते हो, क्योंकि अकेले जब आते हो तो आपको बहुत ही बेसिक खर्चों में आपको अपनी ट्रिप को जो है स्पेंड करना पड़ता है, अपने को ट्रिप को समाप्त करना पड़ता है। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी चॉइस है। तो मैं बुकिंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन, होटल का नाम, होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, हो सकता है तो मैं स्क्रीन पर भी डालूंगा, ताकि आप जब कभी भी यहाँ पे आओ तो बस इस होटल में स्टे कर सको। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो बाहर से होटल बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, फिर भी आपको मैं एक पूरा व्यू इसका दिखा देता हूँ। ये है ऊपर के सी फेसिंग रूम, ये भी एक प्रॉपर्टी जो है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के भी सारे अगर आप देख सकते हो तो वुडन रूम्स है, बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी। लेकिन आप जैसे अश्वेम और मोरजिम से और आरम्बोल से इस तरफ आते हो, प्रॉपर्टी के रेट पता नहीं क्यों इतनी डिमांड से यहाँ पे ज़्यादा कि लोग 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक भी यहाँ पे लोग देने को तैयार है। तो अब आपको लिए चल रहा हूँ द बिग बुल में, जहाँ पे पिछली बार मैंने आपको एक छोटा सा रात को एक इवेंट था यहाँ पे शूट करके बताया था। तो ये है बिग बुल का एंट्रेंस। यहाँ पर भी तीन कैटेगरी के रूम्स हैं, जैसा कि मैंने कल पूछा था। एक बेसिक है, एक थोड़ा महंगा और महंगी प्रॉपर्टी है। जैसे कि इस वक्त ठीक आप मेरे सामने देख सकते हो, ये जो रूम है दैट इज़ फॉर 5000 पर नाइट। ऐसे 6000 इसका रेट है, पर इन्होंने मुझे को डिस्काउंट करके 5000 कहा था यहाँ पे। ये है इसकी रेस्टोरेंट, बार एरिया, डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया, जो भी आप कहे। और अब मैं सीधे आपको यहाँ से अंदर की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पे कुछ और रूम की कैटेगरीज है। आप आइए मेरे साथ में। ये जो इस वक्त ठीक मेरे सामने आप रूम्स देख रहे हो हिल के ऊपर, उसका रेंट जो है सबसे कम है दैट इज़ 3000 रुपीज़ पर नाइट, और तीन ही रूम है वहाँ पे। आप देख सकते हो एक फॉरनर जो है वहाँ पे क्लाइम करके जा रही है, 3000 रुपीज़ फॉर दैट रूम, पर्टिकुलर तीन रूम्स है यहाँ पे। और ये सामने है, इनका भी चार्ज है करीब 4000 रुपीज़। चलिए कोशिश करता हूँ कि इन रूमों को ओपन करके मैं दिखाऊँ आप सभी को। तो चलता हूँ मैं अंदर।
बट रूम एक भी खाली नहीं था। आए तो देखिए कितने एक्साइटेड है यहाँ के लोग हाय हेलो के लिए। दे फेल्ट वेरी दे फेल्ट सो गुड दे व्हेन दे सॉ मी। तो होटल्स के रूम जो थे एक भी खाली नहीं है इस वक्त यहाँ पे। बट वाइब इज वेरी ब्यूटीफुल, क्वाइट एक्सपेंसिव, आप इंजॉय कर सकते हो। ये मेरे सामने का एक रूम देख लीजिए आप, ट्री टॉप पे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका एम्बियंस है। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव में स्टे करने का मूड है तो आप बिग बुल में आके स्टे कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब चलेंगे बिग बुल से निकल के हम दूसरी प्रॉपर्टी के लिए। ये देखिए मेरे पीछे हट्स अगर आपको दिखती होगी तो, बहुत ही खूबसूरत सा इसका लोकेशन है। मुझे इसका लोकेशन बहुत अच्छा लगा है, ख़ास करके ये जो है पालोली बीच के एकदम एंड पे है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मिल जाती है, हिल के ऊपर रूम मिल जाते हैं, और तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा मुझे ये। तो मैंने ये शूट किया है, बैड लक कि मैं इसे रूम को शूट नहीं कर सका, लेकिन आप चाहे तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, आपको सारे रूम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए हम इस बीच के एंड के ऊपर है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे, रास्ता है जो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। शायद मुझे ये उम्मीद है कि ये रास्ता जो है, जब 12-13 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ पे वॉकमैन पार्टी हुआ करती थी। इसे क्रॉस करने के बाद में वॉकमैन पार्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉकमैन पार्टी में शोर कुछ ज़रा भी अलाउड नहीं होता। एक डीजे अपना सॉन्ग बजाता है और सभी लोगों के कानों में एक हेडफोन लगा होता है जिसकी म्यूज़िक सुन के आपको नाचना होता है। तो इस वक्त क्लाइम करके मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, थोड़ा सा कैमरा रोटेट करता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से बीच का नज़ारा है, बिल्कुल मेरे ठीक सामने का ये नज़ारा है। और एक भाई साहब यहाँ पे ऊपर चट्टान पर चढ़ के बैठे हुए हैं सनसेट का मज़ा लेने के लिए। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी के साथ में ये जगह है। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा ऊपर आके इस पूरे बीच का एक ओवरव्यू कराता हूँ कि कितना खूबसूरत ये बीच है और क्या मस्त लोकेशन है। देखिए मेरे ठीक सामने भाई साहब एक बियर लेके बैठे हुए हैं, सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ भी भाई साहब सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये भाई साहब भी मोबाइल पे लगे हुए, लेकिन दे ऑल आर वेटिंग फॉर द सनसेट। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है इस बीच का यहाँ से। और अभी और ट्रैक, ये देखिए जैसे ही मैं अब इस छोटे से ट्रैक के बाद नीचे उतर रहा हूँ तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, जन्नत से भरा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। ये पहाड़ क्रॉस करने के बाद मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ, यहाँ का नज़ारा देख लो भाई साहब। ये भी छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन है, चलिए आप देखते जाइए। हम यहाँ पे एक छोटा सा वॉक करके इस जगह का भी ओवरव्यू लेंगे। इसका नाम है ब्रिज एंड टनल। ये पीछे की आप जो जगह देख रहे हो दैट इज़ ब्रिज एंड टनल। ये इसका बोर्ड, जो कि आपको बता दूँ कि जितने भी आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख रहे हो उन सबके प्राइस आप स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज़ और 7000-9000 तक भी है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप कपल में हो, फैमिली में हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू सच एक्सपेंस। अगर सोलो ट्रिप में हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना खर्चा करना चाहिए। तो दिस प्रॉपर्टी इज द आर्क कम्फर्ट, आपको ये बोर्ड दिखा देता हूँ। दिस प्रॉपर्टी इज़ द आर्क कम्फर्ट और ये इसके विलास है। एक जगह है हिल टॉप 7 गोवा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर भी रूम सारे ऑक्यूपाइड है, तो किसी रूम को शूट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप देख सकते हो ये सारे ऊपर के रूम्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम्स हैं। और एसी रूम के चार्जेस जो है यहाँ पे दैट इज़ 4000 रुपीज़ और नॉन एसी रूम के जो चार्जेस दैट इज़ 3000 रुपीज़ पर नाइट। तो यहाँ की प्रॉपर्टी भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, मुझे ये वाइब बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। आप देख सकते हो फ़ोन नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हो। और यहाँ से आगे जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, द आर्ट रिसोर्ट। पहुंच गया हूँ द आर्ट रिसोर्ट पालोलियम बीच के ऊपर, जो ये प्रॉपर्टी मौजूद है। एक बार कैमरा रोटेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी। देखिए ये सारे सी फेसिंग हट्स है और यहाँ से एंट्री होते हुए इसका बार एरिया है जहाँ से हम एंट्री करेंगे, बार या रेस्टोरेंट एरिया। और इसके ठीक सामने का ये ब्यूटीफुल सा सनसेट का व्यू, और यहाँ से एंट्री करते हुए विल गो बैक, विल गो टू द आर्ट रिसोर्ट। दिस इज़ द बारबेक्यू काउंटर, दिस इज़ द इवनिंग सिटिंग एरिया जहाँ पे बैठ के पूरा दिन, मैंने आज और कल पूरे दोनों दिन में यहीं पर बैठा हूँ।
ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैंने यहीं पे किया है और ट्रस्ट मी गाइस, इतना टेस्टी फूड, इतना यमी फूड और इतना खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन फूड का मैंने अभी तक गोवा में किसी एरिया किसी होटल में नहीं देखा है। तो चलिए आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया और यहीं ठीक सामने जो होता है शाम को लाइव म्यूज़िक होती है और ये भाई साहब जो है यहाँ पे जो कि आर्ट सिखाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट्स योर नेम? स्वरूप। स्वरूप भाई, आप क्या सिखाते हो ना बताइए? मैं लोगों को मतलब पेंटिंग, लैंडस्केप, मॉडर्न आर्ट और ब्रश को कैसे होल्ड है उनके अंदर। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है। Okay. और इसके चार्जेस किड्स के लिए 800 रुपीज़ है पर आवर एंड फॉर एडल्ट इट्स 1000 रुपीज़। ब्रश कैसे मूवमेंट करना है, लैंडस्केप बना रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट में मैं उनको रिफिल आर्ट सिखाता हूँ कि स्टिक से कैसे वेरिएशन कलर्स को मतलब उसमें डालना है, मतलब मिक्सअप करना है। यस, 1 आवर इज इनफ। कभी कभी मैं अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो 1.5 आवर भी इज नो प्रॉब्लम। या आपकी बनाई हुई कुछ आर्ट मुझे बताइए। या ये तो ये मेरी स्टाइल है खुद की। okay. या और ये सारी जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ऊपर, okay. सब मेरी पेंटिंग्स हैं या यहाँ पर। तो गाइस यहाँ से अब निकलते हैं थोड़ा आगे, बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि गर्मी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ही गर्म है यहाँ पे। तो ये है इसका बार एरिया एंड दिस इज़ द एरिया वेयर आई यूज्ड टू सीट फॉर आज एंड आज, और मैंने यहीं बैठ के अपना गो करना का पूरा वीडियो जो है यहीं बैठ के एडिट किया है और सामने झूला है जहाँ पे बैठ के आप रात को म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। तो अब चलेंगे यहाँ पे अंदर, इनकी सारी आर्ट से भी आपको रूबरू करना। तो देखिए सारी आर्ट है यहाँ पे, आए किसी ने किसी कस्टमर्स ने या किसी ने किसी आर्टिस्ट ने इसे बनाया है और हो सकता है कि हमारे आर्टिस्ट साहब जो यहाँ पे सिखा रहे हैं उन्होंने भी इसमें से काफ़ी कुछ बनाई है। और आपको बता दूं कि सारी जो आर्ट है वो यहाँ पे सेल करते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, आप चाहो तो यहाँ से इसे बाय भी कर सकते हो। तो अब चलेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, रिसोर्ट को पूरा एक्सप्लोर कराएंगे हमारे साथ में। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज है, फिर से बोलिए एक बार। 20 फ्रंट है, साइड व्यू भी है और गार्डन भी है। ओके, तो तीनों हम देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ से चलेंगे बीच फ्रंट के लिए। चलिए भुवन जो हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कराएंगे जो पिछले काफ़ी सालों से यही बीच पे रहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं। तो ये देखिए बीच फ्रंट, बहुत ही खूबसूरत से ये कॉटेजेस, बाहर ही बैठने के लिए बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया। और ये देखिए बाहर सनबेड भी लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा एरिया है ये, मुझे बहुत पर्सनली इसकी वाइब अच्छी लगी है। तो कोई रूम खाली हो सकता है भुवन जो से हम खोल के देख सकते हैं? सारे फुल है। यही बात है पालोलिम बीच की कि जितनी भी होटल्स में यहाँ पे आप जाओगे आपको रूम सारे फुल मिल रहे हैं, मतलब फुल ऑन डिमांड है। That's a good part, Bhuvan. तो अब चलेंगे पार्सल शी व्यू की तरफ जो कि इस वक्त ठीक मेरे सामने, चलो कैमरा रोटेट करके आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। और दिस वन, तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये घर और घर के बाहर जो है ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे एक सोफ़ा, एक टेबल छोटा सा ब्यूटीफुल, और ये जो है इसका एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत सा ये घर है। मुझे पर्सनली इस टाइप के जो घर है बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बताइए मुझे ये भी छोटा सा ऊपर अपना लिविंग रूम है उसका। ओ वाओ, मचान, मचान। तो ये जो रूम है मचान वाला रूम है, ऊपर मचान है, नीचे ये देखिए आपके आराम से लेटने के लिए। और ये यहाँ का रूम बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल यूनिक सा रूम है। भुवन भाई जरा मुझे बताएंगे इसका रेंट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 6000 से चालू होता है इसका रेंट। हाँ। और ये वाला जो आपने बताया ग्रीन कलर का, ये 6000 वाले पार्सल सीवी वाले। ओके, फ्रंट वाले अराउंड 8000, फ्रंट वाले 8000, ये 6000। और बताइए ये भी सी व्यू मचान है। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, मैं आपको यहाँ से बहुत ही यहाँ से ऊपर का क्या जो व्यू है वो मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूँ। भुवन भाई ने मुझे कहा है कि यहाँ से ऊपर जाके एक बार से आप शूट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शूट दिस थिंग फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी शाम सनसेट को आप यहाँ से इन्जॉय कर सकते हो। दोस्तों पालोलिम बीच में जितनी देर से हूँ, 2 दिन से हूँ यहाँ पे, और सच कहूँ मुझे जो आर्ट रिसोर्ट की जो वाइब है वो बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से व्यू जो लगा है मुझे, वो अब तक किसी भी जगह से इतना अच्छा नहीं लगा। और पता नहीं इस व्यू, इस प्लेस में कुछ वाइब है, तो मेरी पहली पसंद है कि अगली बार भी जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली आई एम गोना स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, लेट्स गो डाउन। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द गार्डन व्यू कॉटेजेस। ये देखिए आर्ट प्राइव लिखा है, आई आर्ट प्राइव, लेट्स एंटर इनटू दिस प्रॉपर्टी। इट सीम्स सो गुड, सो ब्यूटीफुल एंड द ऑरा इज, ओ माय गॉड,
It's a heaven. It's really, it's a heaven. Can you see the place? ये सारे जो है झूले हैं, okay? झूलों पे इन्होंने बेड बनाया हुआ है, छोटी सी बोट यहाँ पे रखी हुई है बहुत ही आर्टिस्टिक वे में, और ये टेबल टेनिस, और ये बड़ा सा है स्टेज जहाँ पे क्या लाइव परफॉर्मेंस, योगा, योगाशाला। अच्छा, ये योगाशाला है जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ ए योगाशाला। तो बहुत ही खूबसूरत सा ऑरा है इसका। चलिए आगे, ये यहाँ की सबसे लग्जरियस है ये। ओके, पर नाइट कितना है यहाँ पे भुवन जी? प्राइस सेम ही अराउंड 6000 रुपीस। ओके, बट अ बिगर एंड मोर लग्जरियस एंड मोर क्वाइटर। ओके, या आई कैन फील दैट। बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस में ये जगह बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे इन्होंने मेंटेन रखी हुई है। देखिए कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स ट्रीज यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये देखिए, ये देखिए, किसी का घर है ये? ओके, इट्स ओके, कैन आई कम? या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस इज़ रियली, आई लाइक द प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। देखिए ओपन टब यहाँ पे बोट शेप में, एंड या लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी। चीयर्स। We enjoy it. We've been back 3 times now. Oh, yeah? Yep, 3 times. We've been here 2 years before the pandemic, running, and then this time. Okay. And it's good. So how do you experience about this property, Art Resort? Do you like it? Yes, we do. Yes, like, and we can come. Well, we're coming back next year as well, yeah. That's a good advertisement. Thank you very much, sir. Thank you very much. You're welcome. Thank you. So, बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं इस प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सी ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, घर में घुसने के पहले बाहर ये छोटा सा आपके पैर वॉश करके आप अंदर जा सको, इसके लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है। अब यहाँ से जो हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज़ अनदर वेरी गुड प्रॉपर्टी। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखिए इसका भी एम्बियंस देखिए भाई साहब, ब्लू कलर का ये रूम, और उसके साथ में इतना खूबसूरत सा कृष्ण भगवान का ये एक पेंटिंग, और ये ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, इट्स अगेन ओपन टब विथ इन अ बोट शेप सिटिंग एरिया। अरे बाबा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कपल में क्यों नहीं आया अपनी वाइफ को लेके। आई एम रियली मिसिंग हर। अगर उसके साथ में होता तो बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय करता मैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी यूनिक प्रॉपर्टी आई हैव एवर सीन इन गोवा, अश्वे मोर्जी मरम्बोल, एनी वेयर पालोलियम पे। इनफैक्ट सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अगेन यहाँ पे देखिए नीचे ये पैर धो के अंदर जाने के लिए, मस्कीटो के लिए यहाँ पे ये लग भी लगाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। ये देखिए अगेन। ओके, तो भुवन जी ने मुझे बताया कि एक 6 to 8 पीपल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ये विला है, जिस ओके फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ लिखा हुआ। देखिए फैमिली फ्रेंड्स पैट्स कपल्स, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा विला है। यहाँ पर भी देखिए ओपन टब है, और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया, सब जगह पे कृष्ण भगवान, ओम, और इंटीरियर इज लाइक ए हेवन। मैं बहुत खुश हुई सबको देख के। तो अब इस रूम में जो है अंदर चला जाएगा, अंदर जाएंगे और इस रूम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और बताऊंगा कि आपको ये कैसा है। चलिए, तो ये है इसका एंट्रेंस, बहुत ही बड़ा विला है। सो आई एम सो एक्साइटेड। ओके, सो दिस इज़ द बालकनी जो कि अभी आपको मैंने शूट करके बताई है। ये इसका बाहर बैठने का बालकनी का एरिया, ये इसका लिविंग रूम, बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस, टीवी, ओपन किचन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये है इसका डाइनिंग एरिया, और यहाँ से होते हुए जो है मैं आगे बढ़ेंगे अंदर की तरफ, ये भी दिखा दूँ। इवन आई एम वॉचिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वाओ, इट्स हेवन बॉस। ब्यूटीफुल सा बेड, किंग साइज बेड, साथ में एक छोटा सा बेड, और वार्डरोब देखिए कपड़े से बना हुआ ये वार्डरोब है। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग से किया गया है ये किए। और यहाँ यहाँ सोते हुए आप यहाँ से आपका टब भी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ से। और ये इसका ब्यूटीफुल सा बाथरूम, ओह माय गॉड, यू पीपल गोना लव दिस प्रॉपर्टी, इट्स अ वंडरफुल प्रॉपर्टी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट एंड आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस प्रॉपर्टी मोर एंड मोर। सो बाहर चलेंगे, इसका दूसरा बेडरूम, सो ये है इसका सेकंड बेडरूम, ओह माय गॉड, दिस इज आल्सो हेवन, ब्यूटीफुल, क्या बात है। आर्ट रिसोर्ट पालोलियम, गाइस मस्ट कम एंड स्टे ओवर हियर। ये इसके ठीक सामने का व्यू जो है वो गार्डन व्यू है, और यहाँ से भाई साहब आपको लेके चलता हूँ बाथरूम में। ये देखिए इसका बड़ा सा ब्यूटीफुल सा बहुत ही प्यारा सा बाथरूम,
अक्सर लेडीज का पहला क्वेश्चन यही होता है कि होटल में बाथरूम कैसा है। इनफैक्ट मेरी वाइफ का तो पहला क्वेश्चन ही और बच्चों का भी पहला क्वेश्चन ही है। तो तमाम दुनिया की जितनी भी वाइफ्स है वुमेन्स, उनको बता दूं कि बाथरूम यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ही नीट एंड क्लीन और हाइजीन से भरी हुई है। तो मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी है। फ्रिज भी है, टीवी भी है, एसी भी है और 8 लोगों के लिए इंक्लूडिंग योर पैट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सब के लिए जगह बहुत ही खूबसूरत सी है। अब भुवन भाई जो मुझे बताएंगे इस प्रॉपर्टी का पर नाइट का स्टे का रेंट क्या है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 13,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस। इंक्लूडिंग टैक्सेस, विद किचन, पूरा विला विद किचन, वी कैन मेक आवर ओन फूड ओवर हियर। यस यस यस, फुली फर्निश्ड। और एक महीने के लिए अगर कोई इसे बुक करे तो? मंथली वी डोंट गिव। ओके, वीकली ओनली। वीकली, वीकली ओनली। सो प्राइस भी बता दूं, 13,000 रुपया बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जहाँ पे आप 8 लोग साथ में, फैमिली के साथ में पर डे के लिए स्टे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और क्या दिखाने वाला है कि यहाँ पे इनका एक आर्ट कैफे भी है। तो आर्ट कैफे के बारे में बताइए भुवन। वहाँ पे भी पेंटिंग क्लासेस होते हैं, पॉटरी क्लासेस। ओके, देयर इज वन बुटीक आल्सो। ओके, तो चलिए आर्ट कैफे आपको। ओके, मार्केट लाइक व्हाट काइंड ऑफ मार्केट? फ्ली मार्केट। ओके, एवरी सेकंड सैटरडे। एवरी सेकंड सैटरडे। ओके, सो ये है इनका आर्ट कैफे, देख लीजिए कितना खूबसूरत ये आर्ट से भरा हुआ कैफे है। तो पोर्ट्रेट मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये देखिए, ये है आज का पोर्ट्रेट, ये है करौली बाबा, बराबर। किसने बनाया? मैंने। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो आर्टिस्ट है ये मेरे ठीक सामने, इन्होंने इसे बनाया। बताइए इसके बारे में कुछ, कब से आप यहाँ पे हो? मैं यहाँ इस जनवरी से आया हूँ। ओके, तो बाद में काम है। ओके, डेली काम होता है। ब्यूटीफुल। और क्या क्या पेंटिंग्स बनाई आपने कैफे में? कैफे में बता सकते हैं मुझे? हाँ, दिखा सकते हैं। चलिए, तो करौली बाबा, जिन किसी को नहीं पता बता दो कि जितना इंडिया में इनको लोग कम जानते हैं, फॉरेन में इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु रह चुके हैं, मार्क जुकनसबर्ग से लेके स्टीव जॉब्स और अब इंडियन सेलिब्रिटी। बीच में ही मैंने देखा था अनुष्का शर्मा को, जो करौली बाग के, करौली बाबा के जो गांव है, इनका गांव का नाम क्या है? हाँ, इनके गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पे गई थी और उन्होंने भी काफ़ी दिन वहाँ पे स्टे किया था। तो देखिए, आर्ट से भरा हुआ पूरा का पूरा एरिया है ये, देखिए एक से खूबसूरत आर्ट। और यहाँ पे ये हमें अभी साथ में लेके चलेंगे जहाँ पे ये इनके खुद की गेस्ट के लिए बनाते हैं। Okay. सेल के लिए क्या प्राइस रखते हो सब इनका? 10 के आसपास। 10,000। ओके, मैं एक और अच्छे आर्टिस्ट है जिनका नाम है चैतन्य, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। आइए मिलाता हूँ चैतन्य से। चैतन्य, वेलकम टू आवर चैनल, आ जाइए आगे। यस, से समथिंग अबाउट दिस प्लेस, अबाउट योर क्रिएटिविटी, जस्ट टेक दिस माइक। ओके, बोलिए। ओके, यहाँ पे आर्ट क्लास भी होता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है चैतन्य। ओके, तो यहाँ पे आर्ट क्लास मैं कराता हूँ, जैसे कि यहाँ पे गेस्ट लोग आते हैं, कोई बोलते हैं मुझे पेंटिंग खरीदना नहीं है, मुझे सीखना है आर्ट क्लास, तो यहाँ पे एक नॉर्मल चार्जेस रखा हुआ है, जैसे कि 1,000 रुपीज़ है। इसमें इंक्लूडिंग कैनवास रहता है 1 फीट बाय 1 फीट, किड्स के लिए 800 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बढ़िया क्लासेस भी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे पेंटिंग्स है, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स है। okay, ये मेरा खुद का स्टाइल है और ये सब मेरा ही वर्क है, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स का ही है। हाँ, ये सब मेरा वर्क है। ये है मिनिएचर कार्विंग बर्ड्स, यानी मैंने नाम दिया हुआ है मिनिएचर कार्विंग बर्ड्स। इस ये लेयर बाय लेयर्स बना हुआ है, जैसे कि कोई एक पार्ट लिया मैंने, उसको कट किया, उसको वाटर कलर किया, उसको कार्विंग करके लेयर बाय लेयर मैंने पेस्ट किया हुआ है। सो बहुत ही टफ है, शायद ही पूरे इंडिया में 5 या 4 या 5 लोग ये जो काम करते हैं उसमें से मैं एक हूँ। क्या बात है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चैतन्य सर के पास मैं आज ड्राइंग्स के कुछ, पेंटिंग्स के कुछ अच्छे गुण सीखूंगा यहाँ पे। तो ये रहा मेरा कैनवस, कलर्स, और जो थीम चैतन्य सर ने मुझे बताई है वो ये है कि हम यहाँ पे सनसेट से रिलेटेड, गोवा से रिलेटेड कुछ अच्छी मेमोरीज़, जैसा कि यहाँ पे पालोलेम बीच है, तो पालोलेम बीच के कुछ एक अच्छा सा सनसेट वाला वाइब हम लोग इस कैनवास पर उतरने की कोशिश करेंगे। और मेरा भी फेवरेट जो गोवा में होता है वो हमेशा सनसेट ही होता है। तो आई एम गोइंग टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम चैतन्य सर। तो आपको भी ये पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है।
ये मेरी फाइनल आज की पहली पेंटिंग है जो कि मैंने डायरेक्ट कलर के साथ में इतनी खूबसूरती के साथ में जतिन सर ने मुझे सिखाई है तो मैं बना पाया हूँ। ऑल थैंक्स टू। तो दोस्तों इस बार पालोलियम बीच का चप्पा चप्पा मैंने इस कैमरे से शूट किया है, कहाँ स्टे करना है, कौन सी जगह सस्ती है, कौन सी थोड़ी महंगी और कौन सी बहुत महंगी, सब कुछ शूट करके मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। कहाँ पे आपको खाना खाना चाहिए, कहाँ पे आपको आर्ट कैफ़े में जाके आर्ट सीखनी चाहिए, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल जो है इस वक्त मैंने इस बार पालोलियम के इस वीडियो में सब कुछ डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।